Good morning, everyone. Welcome back to our channel. We hope you all are doing great. And आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं रास्ते से, बिकॉज exactly. हमको बहुत सारे काम है और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या काम है आज हमें. बेसिकली आज हम जा रहे हैं मॉल पे. क्यों जा रहे हैं, मतलब बाकी सब भी काम है छुटपुट, बट हम मॉल भी जा रहे हैं घूमेंगे क्योंकि यस रोजी दी इतने साल बाद इंडिया आए और उनको मॉल ऑफकोर्स यार शिमला में रहने वालों को सबको सभी लोगों को मॉल बहुत पसंद होता है, तो वैसे ही रोजी दी को भी है ही, तो वो बचपन की यादें भी जुड़ी है. तो हमने सोचा उनको मॉल ले जाते हैं और हम भी उनके साथ साथ जाते हैं और कुछ मजे करेंगे. उससे पहले मैं और अजय थोड़ा सा काम कर रहे हैं और रोहिंदी दादी को लेके चेकअप के लिए, उनके डेंटल चेकअप के लिए साथ लेकर गए हैं. तब तक वो भी फ्री हो जाएंगे, हम भी अपने काम निपटा लेंगे, फिर जाएंगे हम मॉल. हेलो गुड मॉर्निंग. यार कल ना हम सिर्फ आपको हाय गुड मॉर्निंग ही कर पाए, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखा पाए क्योंकि पूरा दिन हम इतना बिजी रहे और हमारे साथ साथ रोहिंदी भी बहुत बिजी थी. जैसा हमने आपको बताया कि वो दादी के साथ गए थे, तो वहाँ पे जितना हमने टाइम एक्सपेक्ट किया था ना कितना टाइम लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए और हम कहीं पर भी नहीं जा पाए. तो इसलिए ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया कल, बट आज ना जहाँ पर भी जाएंगे जो मर्जी भी करेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे हम. ठीक है ना? ठीक है, दिखा देना. ओके दिखाओ, जाओ जाओ. छोटी की शादी, ये देखो सब शादी के लिए गोरे हो रही है, की शादी है जो सबसे छोटी उसने पहले कर दी, बड़ी रहेगी पीछे, बड़ी पीछे रहेगी. छोटी बड़ी तेज निकली, छोटी बड़ी बदमाश सबसे होशियार है, सुंदर लगने चाहिए. शादी में ऐसे बोले को माय गॉड दादी ले जाए कि दादी ले जाए. हमने भी होंठ पे नहीं लगाया ना, होंठ पे नहीं लगाना होता है, नहीं तो मुंह के अंदर जाते हैं. दादी के फ्यूचर्स बहुत अच्छे हैं. फ्यूचर्स रोजी बोल रही है ना, मीयू करो दादी का पाउट करो. दादी के फ्यूचर बहुत अच्छे हैं. पता क्या हुआ, दादी ना रोहिंदी को बोलना चाह रही थी कि इसके फीचर्स तो अच्छे, दादी बोलती इसके फ्यूचर तो अच्छे. दादी कहती है सबसे सुंदर तो रोहिणी है, इसके फ्यूचर बहुत अच्छे. क्या अच्छे है दादी रोहिणी के फ्यूचर? नहीं, इंग्लिश में दादी, इंग्लिश में क्या फ्यूचर? फ्यूचर फ्यूचर तो होता है भविष्य, भविष्य वो भी अच्छी है. नक्श चलो बेटा थोड़ा आधा फर्क हो तो कोई बात, समझने वाले समझ जाते हैं. No waste. मैं और दादी को कल तक तो मम्मी गालियां हमारे को खाने के लिए दे रही थी ना बेड पे, कि बेड पे तुमने दादी आपकी बहू ने पता क्या किया, मेरी बहू आन दो तुम्हारे को लगेगा आपकी बहू बोलती एक क्रीम की तरह लगाना होता. दादी चुप रहे से ठीक है, आपकी बहू बोलती हमने मैगी बेड के ऊपर खाई ना, तो उन्होंने वीडियो में देख लिया. जाओ तुम तुम्हारा को मैं बताती हूँ. साथ में ये भी बोला बेडशीट नहीं बदलते तुम. हाँ बेडशीट बदलने को भी बोला दादी का. तो दो दिन में क्या बदल देनी दादी, अभी दो ही तो दिन हुए. मैं तो घर में नहीं होती, तू कुछ भी नहीं करती. सही बात है, मैं घर में नहीं होती सारे. दादी देखना आँख के पास नहीं लगाना, बस आँखों के देंगे आंख के पास जैसे घेरे हैं ना कि ये बिल्कुल काले हो गए इसलिए लगा रही. आंख ले लेंगे कुछ और ही नहीं लगाना. यही है दादी. हाँ रोजी रोजी नैनो अंदर रख बाजू. अरे इसको लगन देने पड़ते तो दादी कह रही लगन देने पड़ते. दादी नहीं काटेगा. अरे मैंने तो कल भी गूंज के सुन काट दिया, ऐसे ना ऐसे ऐसे कर रहा था मैं साला. तब तो तू दादी बोल रही मैं बाहर जान दे. हाँ खाने वाले रहने तब तो तुम ही रहने. तो मेरे दिल मुंह में आ गया था आपके कारण, अभी मैं तो फिर भी बच जाती तुम्हें ले जाता हूँ. दादी बंदर मेरे को नहीं ले जाता. घर से गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ना पसीना छूट जाता है यार. शिमला में पार्किंग इतनी दूर मिलती है और लकीली जहाँ पे कल रजत ने गाड़ी पार्क की थी ना वहाँ साथ ही फ्रूट्स का स्टॉल है, तो हम सोच रहे कि कुछ रिफ्रेशिंग सा लेते हैं. कोकोनट वाटर बेस्ट रहेगा. ये बड़े वाले क्या मिलाई वाले मिलाई चाहिए नहीं चाहिए? ये पानी वाले ही पीते हैं और चलते चलते ही पिएंगे. तो फिर करना पानी वाले. हाँ. तीन ठीक है ना. हाँ अभी हम नारियल पानी पी रहे हैं और हम मार्केट जा रहे हैं अपने काम से,
थोड़े छोटे मोटे काम है। सोचा तो हमने वही था जो हमारा कल का प्लान था कि मार्केट जाएंगे, अपना काम करेंगे और फिर उसके बाद मॉल घूमेंगे, वही चीज हम आज फिर से रिपीट करने वाले हैं कि कल वो सब नहीं हो पाया था और आज भी मुझे पॉसिबिलिटी लो लग रही है। गाइस तो परसों भी सेम व्लॉग आएगा। सो हमको एक्चुअली गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हाइड्रेटेड ड्यूरिंग समर्स। और वैसे शिमला में इतनी गर्मी होती नहीं बट आजकल थोड़ा सा गर्म है और रोजी दी को वैसे ही हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। पर शिमला में चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए ना, पेड़ के नीचे खड़े रहो आप, ठंडी हवा चलती है, मजा आ जाता है, लगता ही नहीं गर्मी है। एक्चुअली गर्मी नहीं होती शिमला में इतनी ज्यादा। मैंने इसकी स्ट्रॉ को गंदी बोला रोहिणी दीदी, मैंने स्टिक लगी थी इसमें, देखो यू स्ट्रॉ डाली कितना नई नई गंदी स्ट्रॉ है, देख लो कितनी लिपस्टिक है इसमें, गंदी आई मीन लिपस्टिक हो गया। नहीं 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 मुझे नहीं पीना, ये तेरा सलाइवा नहीं पीना चाहता। आई विल ड्रिंक इट विद माय स्ट्रॉ, ये गंदी स्ट्रॉ से मैं भी क्यों पीऊं। ले ले ले, हो गया खुश लड़ाकू, सबको पता लगेगा तुम कैसी बातें करते हो आपस में, दुनिया जान जाएगी या सच सच सामने आएगा दुनिया के। मैं अभी बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने फ्लैट के लिए सामान लेने जा रहे हैं जो कि हम कल भी गए थे लेने, बट इतने बिजी रहे ना कि एक भी वीडियो नहीं बना पाए, तो मैंने सोचा आज तो चाहे जो मर्जी हो जाए मैं पक्का व्लॉग करूंगी। सो अभी हम फर्नीचर देखने आए हैं और रोहिंदी और रजत तो लग गए काम पे, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। और ऐसे ही हम रोज़ घूम रहे होते तो इतने दिनों से हमारा यही सब चला है, अभी हम फर्नीचर देख रहे थे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी पर वो महंगी थी और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर वो तो क्यों लेते हैं। तो अभी भी हमारा हंट ख़त्म नहीं हुआ है, ढूंढेंगे कि जहाँ पे हमको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा वहाँ से कुछ ले ही लेंगे। और अभी भी हम घूम ही रहे हैं कि अच्छा अभी एक दो और चीज़ें रह गई है, हमको मार्बल लेना है आई गेस, अच्छा क्वार्टर में नहीं जैसे कभी बोलते नहीं आना जी मेरे क्वार्टर आना, वो वाला क्वार्टर रजत अधिया में पहुंच गया पौआ। दीदी ट्रक में बैठी हो, अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पता है सौ लोगों ने बोल दिया है कि तुझे क्या लगता है छोड़ देंगे या तो घूमो जाएंगे ऐसा टाइप, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस गिव्स मी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं कहीं नहीं जाऊँ, कि भाई अगर कहीं गए तो हैंडल तो रहेगा हाथ में, कोई तो साथ रहेगा। मतलब जब हम वहाँ पे भी गाड़ी में मैं मतलब इसके साथ बैठती थी ना तो वहाँ पे भी आगे फ्रंट सीट पे मेरे को हैंडल पकड़ना बहुत पसंद है। हम यहाँ पे आए थे मार्बल और क्वार्ट्स वगैरह देखने के लिए तो वो हमको पसंद आ गया और रोहिणी बार्गेन करने लगे, अंकल प्लीज कम करो ना कम करो ना, हम छोटे बच्चे हैं। तो फाइनली यहाँ से तो हम कुछ उठा ही लेंगे आज, तो वो तो वही रोहिणी क्या कह रही है अंकल से आप अच्छे से, हमें उम्मीद है कि कम कर दोगे। जिस चीज के लिए हम आए थे वो हो गई, मतलब मोस्टली आज जितने भी काम थे अभी तक हो गए हैं, अब थोड़ा सा काम हमारा मॉल पे है वरना हम कितने दिनों से चक्कर काट रहे थे, अच्छा हाँ। ये भी काम करना वो भी काम करना हाँ। बट रजत अभी नहीं जा सकते मॉल पे, वो लकड़ी वाला काम रहता है अभी वो करना है, पहले वो करेंगे तब लकड़ी वाला कौन सा, जी हाँ लकड़ी वाला जो फर्नीचर का हमने नहीं देखा किसी और शॉप। अच्छा हाँ अभी थोड़े बहुत और भी चीज़ें हैं वो करते हैं, बट मैं एक बात ज़रूर बोल सकती हूँ कि जितने भी ये काम है ना इसमें कब कितना टाइम निकल जाता है हमें आइडिया ही नहीं रहता है, और हमको ऐसा दुख भी नहीं है कि अरे इतना टाइम निकल गया ऐसा वैसा, हम इन्जॉय करते हैं ये सब कुछ। हाँ ठीक है, नई चीज़ें देखने को और सीखने को। और रजत का तो ये कहना है कि पिछले कुछ टाइम में रजत ने इतना कुछ सीखा है, जैसे अब हम शॉप्स वगैरह में जाते हैं ना तो रजत ना बिल्कुल जैसे शॉप वाले लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है वैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बस कॉन्फिडेंस रखना होता है, पता चलता किसी को कुछ नहीं होता, बस कॉन्फिडेंस में बोलते रहना होता है, हाँ हाँ ये तो इतने का होता है, चलता है सब। हम जैसे बात कर ही रहे थे ना कि ये सब करते हुए हमको टाइम का पता नहीं चलता, तो हमको ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम लोगों ने लंच नहीं किया है, रोहिंदी को याद है, रोहिंदी कहते यार भूख लगी है कुछ तो खा लो, तो भूख का प्रकोप ज्यादा हो रहा है इस वक्त, हाँ भूख का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, भूख नहीं लगी है तो इसलिए अभी हम कुछ खाने जाते हैं। हम खाएंगे गोलगप्पे, हम सबके फेवरेट है, उसके लिए तुम खाओगे, आप हमें देखोगे, मैं सेब खाऊंगा अमन डाल, जब हमने खाना शुरू करना है ना रोहिणी नहीं रुक पाएगी, फिर बोलेगी लाओ दो मुझे मैं भी खा लेती हूँ, मेरे को तब तक एंड पॉइंट तक तड़पा देते ना फिर मैं कुछ भी खा लेती हूँ। ये डाइट कर रही है अपनी शादी की, ये मेरे हाथ में, आप लोग इन लोगों को बता सकते हो मैं कितनी पतली दिख रही हूँ, वेरी थिन, थैंक्स, वी डिजर्व सम लाइट स्नैक्स आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। कंगा जल्दी
बड़े मस्त चटपटा सा एकदम फ्रेश हो गई। वैसे जब बस ने रोक ही दिया तो मैं व्लॉग लाइव कर देता हूँ, बस वाले लोग भी एंजॉय कर लेंगे और मैं भी। मैं आगे बस में जाके अनाउंसमेंट करूँ कि रजत ने व्लॉग लाइव कर दिया। लाइव कर दिया वैसे मेरे को कम कम लोग देख रहे हैं वैसे भी। ओके इट्स लाइव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रॉस करने दें सबको। बोल इनको व्लॉग लाइव देख लो। व्लॉग लाइव देख लो। देख लो प्लीज देख लो। सुनो बस वालों सुनो मेरी गाड़ी। आज हमें मेहमानी में मेरे भैया भाभी ने बुलाया और क्यूट सा बेबी उनका बेटा है। सब ले लेना तक्षर। बस खाना नहीं कुछ जीजा जी तो भैया के हुए। हाथी कैसे करता इतनी देर से आज भी रहे थे। किल बिल कर दो। नहीं हेलमेट पहन के आओ। इसकी मम्मा मारती तो पहनता ही। भैया के साथ हम कैसे खेलते होते थे। हम जीजा जी आज भी खेले और अभी हम दमशास खेल रहे। रजत की एक्टिंग तो देखो। बोलना नहीं दमशास का मतलब क्या हो। अगर बोलेगा तो दम थोड़ी ना हो। रजत इतनी वाहियात एक्टिंग कर रहा है ना। जब बाद में पता चलेगा कौन सी मूवी है रजत की टीममेट्स इसको बहुत मारने वाले। मैंने भैया को बहुत इजी मूवी दिया आप भी बता दें। फर्स्ट वर्ड करो। ये पागल है। भैया आप सुन नहीं रहे सबकी बातें। दिल रक्तदान। सेकंड वर्ड करो। हाँ नीचे नीचे आगे पीछे। अब बता दो मूवी यार इतना सीरियस हो गया। प्यार से रिलेटेड है कि दिल से रिलेटेड है। प्यार से रिलेटेड है। मोहब्बत इश्क। मोहब्बत प्यार को ही कुछ और बोलते हैं। मोहब्बत यार रोजी बस लव 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 सेक्स और धोखा। लव सही है। लव फर्स्ट वर्ड है। लव त्यागी। लव जिंदगी। लव यू जिंदगी। लव लव हिंदी का है वर्ड। लव वर्ड इंग्लिश है। रोजी टाइम अप बोल। पहला वर्ड लव है। रोजी टाइम अप होने वाला है ना। टाइम अप सेकंड है। लव सेकंड है। लव सेकंड गिन लो। डांस लव आज कल। भैया ने आज किया है कल भी करा। ये गलत है लेकिन आप लोगों को जब लगा कि अभी ये बता रहे हैं तो नो। चलो चलो ठीक है आपको एक और चांस देते हैं। मुर्गा पंजा चमगादड़ पंख से। जब अनु भैया की टीम को पता चलेगा ना कौन सी मूवी है भैया बहुत गालियां पड़ेगी। भैया ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उड़ता पंजा। टिक टिक टू। पापा कैसे कैसे करो यार। कशिप पापा कैसे कशिप पापा कैसे कर रहे हैं। टिक टिक थ्री। यार इनको क्या नाच नाच डांस। टिक टिक फोर। इसको मत बोले इसको पता आप तू कर चल। भैया ने कहा आप तू कर चल। पेट फट गया। बॉम्ब पेट से थोड़ी निकला। ओए ब्लास्ट उरी हल्क बहुत डम है। काम खत्म है। काम खत्म है। परी परी लोक पाई लेना इसमें से। आई डोंट गिव अ नेम। पर है ना पर से आगे पर्पल मम्मा परमा पर बेटा परमा पर बच्चा परम यस मुझे परम परमा परमात्मा पद्मावती परमाणु 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 निकाला।
अरे रोजी मैं उधर टीम में, इधर रोजी मैं उधर टीम में। हाँ पहला वर्ड, हाँ तीन वर्ड है टोटल। अच्छा तो तीन अक्षर है, तीसरा वर्ड बता रहे हो आप, दूसरा वर्ड बता रहे हो, पहला वर्ड। अच्छा तीन है उसमें, थ्री। अच्छा अच्छा थ्री थ्री इडियट्स। भैया 20 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे को गिन के। रजत बहुत ही यार। जत ता रब रबता यस। आज इतने दिनों के बाद हमने इतना मजा किया ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि हम वैसे ही छोटे छोटे बच्चे बन गए जैसे पहले खेला करते थे, और बहुत मजा आया। और इतना खा लिया कि अब मुझे आ रही है नींद, बिकॉज़ इतना लेट। भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। बचपन की इतनी नैना की ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे, और मेरी मेरी बचपन की पिक्चर को नैना देख कर क्या कह रही थी कि रजत बहुत ही अनक्यूट होता था। मैं वो पिक्चर डालूंगा अगर मुझे ये व्लॉग एडिट करने को मिलेगा तो मैं वो पिक्चर डालूंगा, और नैना एडिट तो मैं ही करूंगी, और कोई पिक्चर आपको देखने नहीं मिलेगी। आई नो नैना बहुत क्यूट थी, बट मैं भी इतना बुरा नहीं था। ऐसे नहीं, मतलब बात कहां से शुरू हुई कि एक्चुअली ना मैंने जब रजत मतलब ये बात चली कि ज्यादा क्यूट कौन था। मैंने जब रजत की बचपन की फोटोज देखी ना पहली बार, तो मैंने रजत की बहन की देखी, मैंने कहा यार कितने क्यूट होते थे तुम, बाद में पता चला ये रजत नहीं है उसकी बहन है। तो फिर मैंने उस वे में कहा कि शिवानी ज्यादा क्यूट होते थे, रजत उतना नहीं था। उस वे में ऐसे नहीं कि रजत क्यूट नहीं था, बट और अनक्यूट आई नो कोई वर्ड नहीं, बट हम अनक्यूट बोलते हैं ऐसे मस्ती में। ये हमारा वोकैबुलरी, हमारी वर्ड है। परमानु की परी। ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।